Welcome back to my YouTube channel. Myself Pranju Kumar Pathak, and this is continuation of lecture on DNA replication. And this lecture is about enzyme involved in DNA replication in prokaryotic organism, basically. Okay, and we will also just differentiate with prokaryote and eukaryote. Okay, so dear guys, first we have to understand the DNA replication nature. You know, DNA is replicated in semi-conservative manner. What does mean? अब जैसे कि देख रहे हैं, एक पेरेंट स्ट्रैंड यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा क्या है, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए. सो वन इज द पेरेंटल एंड सेकेंड वन इज न्यूली सिंथेसाइज. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, एंड दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड रेदर देन कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव. कंजर्वेटिव में क्या है कि पेरेंटल स्ट्रैंड जस्ट डुप्लीकेट हो रहा है और न्यूली सिंथेसाइज डीएनए बिल्कुल अलग है. सो ऐसा डीएनए रेप्लिकेशन ज़्यादातर प्रिफेवर नहीं है और ये बहुत ही नॉट फाउंड इन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. सो ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है कि रेप्लिकेशन कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है. कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव इज नॉट सिग्निफिकेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, चलिए, समझ में आई बात. सो दिस इज अगेन हैवी नाइट्रोजन पे ग्रो किया है और हाइब्रिड डीएनए है. तो हाइब्रिड डीएनए कहने का मतलब क्या है, एक 10-15 पे है, हैवी नाइट्रोजन पे है, यानी ओरिजिनल पेरेंट डीएनए है, और यहाँ पे 10-15 पे, और एक न्यूली सिंथेसाइज है जो कि 10-14 पे. एक्चुअली ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है. मिशेलसन स्टाल्स का एक्सपेरिमेंट था जो कि इसमें उन्होंने प्रूफ किया था कि डीएनए क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है. यहाँ पे मैं सारा वो लेक्चर में कवर अप नहीं किया हूँगा, विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर, दैट द बेसिक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, है ना. अगर आपको जाना है तो उस लेक्चर को आप ट्यून कीजिए और वहाँ पे आपको सारे ये चीज़ें फिर से वहाँ पे आपको दिखाई देंगी, ठीक है. तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए जो रेप्लिकेट होगा वो किस तरीके का होगा, वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होगा, ठीक है. चलिए, सो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. ईच स्ट्रैंड इन डबल हेलिक्स सर्व्स एज एन टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड. सो डबल हेलिक्स होगा डीएनए, है ना. हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स एंड हेलिक्स ओपन. अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब तक हेलिक्स ओपन नहीं होगा. ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज एन टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड. रेप्लिकेशन प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डीएनए डबल हेलिसेस विथ वन न्यू एंड वन ओल्ड स्ट्रैंड. मैंने आपको पहले ही बताया कि डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है. तो एक तो पेरेंटल होगा जो कि मिथाइलेटेड होगा, ठीक है, और जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होगा वो मिथाइलेटेड नहीं होगा. यहाँ पे डैम एंजाइम एक होगा, वो रिक्रूट होगा और फिर से इसे पेरेंट स्ट्रैंड की तरह बनाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये रेप्लिकेशन हो गया, ये फर्दर रेप्लिकेशन में नहीं जाएगा. सो एज आप देखते हैं ना, जब पीसीआर में हम शुरू करते हैं तो इनिशियली दो डीएनए समझ के चलते हैं और लास्ट में बिलियंस कॉपी में बदल जाता है आफ्टर 35 साइकिल. तो यहाँ पे भी यही समझना है कि ये अगेन डीएनए रेप्लिकेशन में जाएगा वो जीन, तो उसे क्या होगा, अगेन डैम क्या करेगा, वहाँ पे मिथाइल ला के अटैच कर देगा ताकि वो आसानी से फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में वो फिर से मिथाइलेटेड डीएनए होगा, तभी डीएनए जाके उसे रिकॉग्नाइज करेगा, जो अपकमिंग सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है. चलिए, सो आपको याद रखना है कि डीएनए को, जो डीएनए पॉलीमराइज हो रहा है उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है. सो ए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं और मोनोफॉस्फेट तो यहाँ आकर के लग जा रहा है, ठीक है. तो ए जो निकल रहा है वो बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन को क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है. कोई भी काम देखिए बिना एनर्जी का नहीं हो सकता, चाहे आप पढ़ ही रहे हो, आप अगर खाना नहीं मिलेगा तो कितना देर पढ़ोगे, ठीक है. तो यहाँ पे भी क्या है, एनर्जी बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए. सो यहाँ एनर्जी कहाँ से मिल रही है, बाय रिमूवल ऑफ पायरोफॉस्फेट. ओके, समझ में आई बात. तो ए क्या है, पॉलीमराइजेशन आपको दिखा रहा है कि कैसे न्यूक्लियोटाइड आपस में अरेंज हो रहे हैं, ठीक है. चलिए, अब जा रहे हैं तो ये भी जानना है, डीएनए
डिग्रेडेड बाई न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस कौन होता है, एक आरएनएज होता है और एक डीएनएज होता है। आरएनएज क्या करता है, आरएनए को डिग्रेड करता है, और डीएनएज क्या करता है, डीएनए को डिग्रेड। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन एंजाइमोलॉजी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। वी फर्स्ट नो द डीएनए रादर देन सिंथेसिस द एंजाइम नोन एज न्यूक्लियस और डीएनएज इफ दे आर स्पेसिफिक फॉर डीएनए रादर देन आरएनए। आरएनए के लिए क्या होगा, आरएनएज होगा, है ना। एवरी सेल कंटेन सेवरल डिफरेंट न्यूक्लियस बिलोंग टू टू ब्रॉड क्लासेस, दैट इज एक्जो न्यूक्लियस एंड इंडो न्यूक्लियस। एक्जो न्यूक्लियस क्या करता है, अगर ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है तो वो क्या करेगा, लास्ट न्यूक्लियोटाइड से कट करना शुरू करेगा, तो ये एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी होता है। ठीक है, इंडो न्यूक्लियस क्या होता है कि डीएनए के फ्रेगमेंट में कहीं पे फ्रॉम मिडिल इट कैन कट, सो इंडो न्यूक्लियस कैन कट द डीएनए फ्रॉम मिडिल, बट एक्जो न्यूक्लियस ऑलवेज कट फ्रॉम 5 prime to 3 prime direction or 3 prime to 5 prime direction. From both side exonuclease activity can be possible. Okay? But endonuclease बीच में होगा, इसीलिए restriction enzyme क्या होता है, बीच में कट करता है। तो ये आपको समझ में रखना है कि restriction enzyme क्या है, restriction endonuclease होता है। ठीक है, चलिए तो इसको अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप restriction enzyme के चैप्टर में हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि न्यूक्लियस के दो क्लासेस होते हैं, एक जो न्यूक्लियस है दूसरा इंडो न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो 2018 में जब मैं एग्जाम दे रहा था डीबीटी का, तो उसमें पूछा गया था क्लिनो फ्रेगमेंट किसे कहते हैं, और मैं गलत करके आया था, इसीलिए मैं आपको बता रहा कि आपको सही करके आना है। कहने का मतलब क्या है, क्लिनो फ्रेगमेंट का मतलब क्या था, व्हेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्जो न्यूक्लियस डोमेन इज रिमूव्ड एंड द रिमेनिंग फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज क्लिनो फ्रेगमेंट। मेरे दिमाग में था कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्जो न्यूक्लियस जो एक्टिविटी होती है वो रिमूव होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है कि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी है जो कि सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास है, ठीक है, और कोई ऐसा डीएनए पॉलीमरेज नहीं है जिसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी है। इसीलिए क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 इज एबल टू रिमूव द प्राइमस, बट यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता, उसके लिए अलग से कोई अवयव कोई कंपोनेंट्स आता है जो कि आरएनए को डिग्रेड करता है। व्हेन वी विल गो देयर वी विल अंडरस्टैंड। ओके, चलिए तो चलिए भाई देख लेते हैं कि जो इकोलाई का पॉलीमरेज है वो तीन तरह का होगा, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। ठीक है, और जो स्ट्रक्चरल जीन है जो कि आप देखे होंगे जब हम मैप दिखा रहे थे, तो पॉल ए पॉल बी एंड पॉल सी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए ई। आप पढ़ेंगे डीएनए ए बी सी एंड जी, सो दिस ऑल डीएनए आर ट्रिपल ए एटीपीएज। इसके बारे में आप हमें कमेंट कीजिए कि ये क्या होता है। ठीक है, ये आपका काम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है इसके सब यूनिट्स कितने हैं, 1, पॉल के 2 और इसके 10 से ज्यादा हो सकते हैं, 10 या 12 सब यूनिट का बना होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 3, जो कि बेसिकली यूज होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, है ना। और इनका भी उपयोग है, ये कहाँ है हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखते हैं। सो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी तीनों में होता है, दैट इज ओनली फॉर प्रूफ रीडिंग। चीजों को समझिए, प्रूफ रीडिंग क्या, जैसे कि ऐसे आपका एक न्यूक्लियोटाइड पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर के अटैच होते जा रहा है, डीएनए पॉलीमराइजेशन हो रही है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है। अचानक कोई ऐसा बेस आता है जो कि कंप्लीमेंट्री स्टैंड के एग्जैक्ट नहीं और आकर के अटैच हो जाता है, तो जो एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी है प्रूफ रीडिंग से क्या होगा कि आकर के उसे क्या करेगा, हटाएगा और प्रूफ रीड करके उसे फिर से सही कर देगा। ठीक है, अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है ये सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 की होती है, और इसी को हम क्या करते हैं, हटाते हैं, तो क्या बन जाता है, क्लिनो फ्रेगमेंट। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, आपको भी जिंदगी भर याद रखना है कि क्लिनो फ्रेगमेंट में क्या अंतर होता है। ठीक है, और कोई भी डीएनए पॉलीमरेज नहीं है जिसमें क्या हो कि एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो। चाहे यूकैरियोट में भी देख लो, यूकैरियोट में भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। ओके,
सो पॉलीमराइजेशन रेट जो है पर न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम प्रोसेसिविटी भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है, पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो है मात्र फ्यू न्यूक्लियोटाइड, इट कैन ऐड 40 न्यूक्लियोटाइड बट दिस इज ऐड अप टू 1000 बेस पेयर पर टेम्पलेट जंक्शन, टेम्पलेट और प्राइमर जंक्शन में इतना न्यूक्लियोटाइड वो आराम से जड़ सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिविटी भी आ गई यहाँ पे, है ना, कि कितना प्रोसेस कर सकता है, प्रोसेसिविटी वही है, समझ में आया, पॉलीमराइजेशन रेट कि कितना पॉलीमराइज कर सकता है पर सेकेंड, है ना, न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना न्यूक्लियोटाइड वो ऐड कर सकता है। सो सबसे इफिशियंट कौन हुआ, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इसीलिए हमेशा वही पार्टिकल, वही कंपोनेंट हमेशा यूनिवर्स में काम करता है जो कि क्या है, इफिशियंट, ठीक है, इफिशियंट होगा तभी क्या होगा वो होगा, अदरवाइज वो क्या होता है, ऐसे भी देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इफिशियंट है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, उन्हीं को क्या होता है, मार्केट में वैल्यू है, ठीक है। इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड एज द मास्टर रेगुलेटर फॉर डीएनए सिंथेसिस। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो दिस इज द होल डायग्राम, हम इसको अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, बस यहाँ पे बस ये समझना है, दिस इज योर डीएनए और ये अनरेप्लिकेटेड है और ये रेप्लिकेटेड डीएनए है, ठीक है। आरएनए प्राइमर आएगा, ओका जागी फ्रैगमेंट बनेगा, लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते जाएगा, है ना, और डीएनए सिंथेसिस होती रहेगी, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या होगा, टुकड़ों में डीएनए सिंथेसिस होगी, फिर क्या होगा, यहाँ पे आकर के फिर डीएनए लाइगे जाएगा और फिर इसको जोड़ेगा, ठीक है। लेकिन लीडिंग स्ट्रैंड पे, सॉरी, लीडिंग स्ट्रैंड पे जो डीएनए की सिंथेसिस होगी वो कंटिन्यूअस होगी। सो वन स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस एंड सेकेंड स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज वन की डिस्कवरी पे, ठीक है। तो आप इन्हें देखिए, आर्थर कोरनबर्ग हैं, ठीक है, इनके कलीग्स और इनके ग्रुप ने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज वन को खोजा, जिसे पॉल ए जीन से क्या किया, डिनोट किया, जो स्ट्रक्चरल जीन है इकोलाई के जीनोम में, ठीक है। और दिस डीएनए पॉलीमरेज वन रिवील्ड द फीचर ऑफ डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस आर नाउ नोन बिकम ए कॉमन टू ऑल डीएनए पॉलीमरेज। सारा डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, बस डीएनए की सिंथेसिस कराएगा, ठीक है। तो ए आपको याद रखना है, ठीक है, कैसे न्यूक्लोफिलिक अटैक होता है 3'5' हाइड्रोक्सिल पे और वहां से कैसे पाइरोफॉस्फेट इन जनरल निकलता है, दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज्ड एज ए एनर्जी करेंसी फॉर द होल प्रोसेस प्रोलॉन्गिंग, ठीक है, होल प्रोसेस को करने के लिए ये पाइरोफॉस्फेट यूज होता है, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, तो जैसे ही मैंने आपको अभी अभी आपने देखा कि एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट होगा, ओकाजाकी के बारे में मैंने मॉलिकुलर बेसिस के बेसिस बेसिक बायोलॉजी में मैंने डिस्कस किया, तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहाँ बनेगा, लैगिंग स्ट्रैंड पे बनेगा और लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या होगी, कंटिन्यूअस डीएनए की सिंथेसिस होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, रोलिंग सर्किल इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लीनियर यूकेरियोट रेप्लिकेशन को भी डिस्कस करेंगे और आप थीटा जो है, जो कि सर्कुलर डीएनए, जो कि बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेजरली यूज होता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के यहाँ कोई ब्रेकेज नहीं होती है, रोलिंग सर्किल में ब्रेकेज होती है और फिर यहाँ पे भी नहीं होती है, तो चाहे थीटा हो चाहे लीनियर यूकेरियोटिक जीनोम हो, यहाँ पे कभी भी ब्रेक नहीं होता स्ट्रैंड के बीच में। बट रोलिंग सर्किल में क्या होती है, वहाँ पे निकिंग होती है, और निक कैसे होती है वो हम जब रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म देखेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जो रेप्लिकॉन होगा, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे मेनी होगा, क्योंकि यूकेरियोट्स में बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन जाने की जरूरत है, ठीक है। जब आप रेप्लिकेशन मूव देखेंगे थीटा में, तो ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, लेकिन रोलिंग सर्किल इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सो ये क्या है, सारे मोड ऑफ रेप्लिकेशन है जो आपको जानने की जरूरत है, यूकेरियोट हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा, टू सर्कुलर मॉलिक्यूल मिलेगा, वन सर्कुलर मॉलिक्यूल एंड वन लीनियर मॉलिक्यूल एंड दैट में सर्कुलराइज, ठीक है। रोलिंग सर्किल में क्या हो सकता है कि आपको एक सर्कुलर मिल सकता है, एक लीनियर मिल सकता है, और वह लीनियर मॉलिक्यूल फिर से सर्कुलर बन सकता है, लेकिन लीनियर यूकेरियोटिक जीनोम हमेशा आपको लीनियर मॉलिक्यूल देगा, एक मॉलिक्यूल हमेशा
टू मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? इट्स ओके. चलिए तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन इकोलाई. ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेजेज हैं. बहुत अच्छे से देखिए, कोशिश कीजिए, बार बार देखिए, बिकॉज ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 5' to 3' पॉलीमराइजेशन सारे के सारे करते हैं, क्योंकि पॉलीमराइजेशन तो करना ही है, तो कोई भी पॉलीमरेज हो वो करेगा ही करेगा. ठीक है, नाउ द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है 3' to 5' इज प्रेजेंट इन पॉल 1 and 2 and 3, एंड 4, 5 में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है. इसीलिए क्या होता है, ये एरर प्रोन है इकोलाई में. ठीक है, जो कि बेसिकली यूज होता है डीएनए रिपेयर में. जब हम पढ़ाएंगे एसओएस रिस्पॉन्स तो वहां पे आपको बताएंगे कि कैसे पॉलीमरेज 5 यूज होता है. ठीक है, समझ में आई बात? जो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो बस मैंने आपको पहले ही बताया कि वो डीएनए पॉलीमरेज 1 में ही मिल सकता है और किसी में भी नहीं मिल सकता. ठीक है, फंक्शन में देखें तो रिमूव एंड रिप्लेस प्राइम. डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या है कि ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, तो आराम से क्या करता है, जो शॉर्ट्स प्राइमर जो डीएनए जी बनाता है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, उसे हटा देता है. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 2 बेसिकली उपयोग होता है डीएनए रिपेयर में, रीस्टार्ट रेप्लिकेशन आफ्टर डैमेज एंड डीएनए हॉल्ट सिंथेसिस. कभी कभी क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ और वो हॉल्ट कर गया, फिर वो स्टार्ट हुआ फिर हॉल्ट कर गया, तो हॉल्ट के बाद स्टार्ट अगर करना होगा तो वहां पे कौन आएगा, आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा, क्योंकि फ्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए सफिशियंट. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो मेन एंजाइम है जो कि इलोंगेशन में यूज होता है. ठीक है, तो इलोंगेशन कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3, यानी होल काम कौन करेगा, होल मशीनरी को जो रन करेगा वो कौन सा डीएनए पॉलीमरेज होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा. 4 and 5 इज अगेन यूज फॉर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म. ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स हैं और इनके फंक्शंस. सो इनिशिएटर प्रोटीन कौन है, बाइंड्स टू ओरिजिन एंड सेपरेट स्ट्रैंड डीएनए टू इनिशिएट रेप्लिकेशन. डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, अनवाइंड द डीएनए एट रेप्लिकेशन फॉर्क. जहां पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, अनवाइंड करेगा. अनवाइंड कैसे करेगा, जस्ट बाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, सो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, जब हेलिकेज तोड़ता जाएगा तो स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, तो इसको क्या होगा, इसको डिग्रेड करना आसान है. न्यूक्लियेजेज आकर के, प्रोटीजेज आकर इसे डिग्रेड कर सकते हैं. डीएनए में न्यूक्लियेजेज आएंगे और इंडो न्यूक्लियेज जो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको तोड़ देगा. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, इसको बाइंड कर लेता है ताकि ये डिग्रेड ना हो. ठीक है, डीएनए गायरेज क्या है, डीएनए गायरेज क्या होता है कि ये डीएनए खोलता जा रहा है, एक ऐसा स्थान आएगा जहां पे हेलिकेज रुक जाएगा, हेलिकेज का काम खत्म हो जाएगा, हेलिकेज इज नॉट मूव फर्दर. सो डीएनए गायरेज इज बेसिकली रिमूव और इंट्रोड्यूस सुपर कॉइलिंग इन द डीएनए फॉर द प्रोसेसिबिलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सो डीएनए गायरेज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. ओके, सो मूव अहेड द रेप्लिकेशन फॉर मेकिंग एंड रीसीलिंग द ब्रेक डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए टू रिलीज द टॉर्क. टॉर्क क्या होता है, आप लोग कभी घर का ऐसा खोले हैं गेट जो कुछ एंगल बना के खुलता हो, जब आप देखेंगे तो कोई भी गेट खुलता है तो एक एंगल बनता है, तो वो जो मूव कर रहा है वो टॉर्क है. तो टोपोलॉजी में मैंने बताया ही आपको कि कैसे डीएनए गायरेज इंपॉर्टेंट है, तो एक टॉर्क हटाने के लिए ये क्या यूज होता है, डीएनए गायरेज यूज होता है. ठीक है, सो डीएनए प्राइमेज क्या है, क्योंकि देखिए डीएनए रेप्लिकेशन खुद से डीएनए पॉलीमरेज कभी भी पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता, तो इसको क्या चाहिए, शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर जिसके पास 3 hydroxyl group हो. अगर 3 hydroxyl group नहीं मिलेगा तो डीएनए पॉलीमरेज कभी भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करेगा. तो शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सो अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 अगर इलांगेट करना चाहता है तो उसे क्या चाहिए, 3 hydroxyl group चाहिए. ठीक है, और वो कौन प्रोवाइड करेगा, आपका आरएनए प्राइमर. ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या है,
elongate a new nucleotide strand from 3 hydroxyl group and provided by the primer. Primer के द्वारा क्या होगा, वो provide किया जाएगा. DNA polymerase क्या करे, one क्या करेगा, वो remove कर देगा primer और वहाँ पे RNTPs की जगह पे DNTPs ला के जोड़ देगा. जब पूरा DNA DNTPs हो जाएगा तो फिर DNA ligase क्या करेगा, join कर देगा. ठीक है, दीज Okazaki fragment जो lagging strand पे बनेगा उसे जोड़ने की कोशिश करेगा. फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल सुगर ग्रुप के बीच में एक फिर से ATP की मदद से, बिकॉज DNA ligase uses ATP. आई विल नॉट डिस्कस हाउ दीज एंजाइम्स आर बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज ऑल एंजाइम इज रियली वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड, बट दिस लेक्चर आई एम जस्ट कन्फाइडिंग फॉर द CSIR, सो आई एम जस्ट रैपिंग इट आउट. ओके, मैं इसे जस्ट आपके लिए जिस्ट करके आपको देना चाहता हूँ ताकि आप एग्जाम में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं. ठीक है, मेरा बेसिक फंडा है हर स्टूडेंट के लिए कि वो जब एग्जाम में बैठे तो वो ये नहीं कहे कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया. ठीक है, अब हम थोड़ा और देख लें. DNA गाइडेज क्लियर है, चलिए. SSP सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यूज फॉर प्रोटेक्शन. DNA इनिशिएटर फैक्टर ऑरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, ये बाइंड करेगा. DNA B, DNA के बारे में हम और चर्चा करेंगे. DNA B क्या है, दैट इज ए हेलिकेज फॉर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. और ये क्या करता है, 5' to 3' हेलिकेज को क्या करेगा, अनवाइंड करता जाएगा और वहां से फिर सिंथेसिस होती जाएगी. DNA C क्या है, बेसिकली एक हेल्पर प्रोटीन है जो DNA, हम इसको कह सकते हैं हेलिकेज लोडर भी. ठीक है, लोडिंग ऑफ DNA B ऑन द DNA, और फिर DNA C क्या होगा, वहां से रिमूव हो जाएगा, खुद चला जाएगा, और फिर DNA B जो हेलिकेज है वो अनवाइंडिंग की प्रोसेस शुरू कर देगी. अब क्या होगा, DNA G एक प्राइमेज है, बिकॉज DNA पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द DNA सिंथेसिस, बिकॉज DNA पॉलीमरेज रिक्वायर 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो दिस इज प्रोवाइडेड बाई दिस RNA प्राइमर. तो शॉर्ट RNA प्राइमर इज सिंथेसाइज बाय DNA G, एंड DNA पॉलीमरेज थर्ड, दैट इज द होलो एंजाइम दैट यूज फॉर DNA सिंथेसिस एंड द इलोंगेशन पैटर्न. सो DNA पॉलीमरेज वन क्या करता है, एक्साइज करता है वो RNA प्राइमर को, एंड क्या करता है, फिर DNA को फिलअप करके फिर मतलब कि अच्छे से तैयार कर देता है. ठीक है, DNA ligase क्या करता है, DNA ligase वो क्या करता है, जो Okazaki फ्रेगमेंट्स बनते हैं उन्हें आपस में जोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ताकि वो एक सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो सके. ठीक है, टस और टर क्या है, टस जो है टर्मिनेशन के लिए यूज होगा. ठीक है, तो ये सारे इंजाइम्स है जो कि इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब DNA पॉलीमरेज थर्ड जो है उसके स्ट्रक्चर्स को देखने की हम कोशिश करेंगे. ठीक है, DNA पॉलीमरेज थर्ड, मैंने आपको बोला था कि इसके कई सब यूनिट्स हैं. ठीक है, ऐसे तो 10 है, कहीं कहीं देखिए यहाँ पे मेंशन होगा कहीं पे. ठीक है, ठीक है, जब हम इसमें है मेंशन, जब रिटन लैंग्वेज आएगा तो वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि 10 और 12 में क्या डिफरेंस है. ठीक है, सब यूनिट्स किसके कितने हैं यहाँ पे मेंशन. ठीक है, चलिए, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, इसमें है क्या क्या. DNA पॉलीमरेज थर्ड एक होलो एंजाइम क्यों है, होलो एंजाइम किसे कहते हैं, एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या अंतर होता है, जस्ट कमेंट इन माय बॉक्स. ओके, सो कोर को देखिए ध्यान से, दिस इज कोर एंड दिस इज बीटा क्लैंप एंड दिस इज द क्लैंप लोडर. ये पकड़ेगा बीटा क्लैंप को और लोड करेगा कोर पे और फिर आगे की प्रोसेस होगी. ठीक है, आई विल सेंड ए एनिमेशन इन द ग्रुप विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, गो थ्रू दैट एनिमेशन ऑल्सो. ठीक है, तो आपको समझने की यहाँ पे कोशिश क्या करना है, दिस इज कोर इंजाइम. कोर इंजाइम में क्या क्या होगा, ये तीन देख लीजिए. कोर क्या क्या है, अल्फा इप्सिलॉन एंड थीटा, और ये जीन है जिसे कोड करता है. तो कोर इंजाइम जो है पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी को देखेगा, 3', 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी को देखेगा और स्टेबलाइज करेगा इप्सिलॉन यूनिट को. इप्सिलॉन यूनिट को क्या करना है, स्टेबलाइज होना बहुत जरूरी है. तो एक कोर कॉम्प्लेक्स है जो कि पॉलीमराइजेशन करता है. ठीक है, अब है क्लैंप लोडा. क्लैंप लोडिंग जो होती है, जो गामा कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या करता है, बीटा क्लैंप को आपके कोर कॉम्प्लेक्स पे जाके अटैच करता है. तो ये किन किन चीजों से बन के होता है, ये बन के होता है
इतना, ठीक है। तो इसमें टाउ आता है, गामा कॉम्प्लेक्स है, डेल्टा है, डेल्टा डैश है, ठीक है। ये सब मिलकर के क्या बनता है, एक गामा कॉम्प्लेक्स तैयार करता है जो कि बीटा क्लैंप को लोड करता है कोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और भी हैं, ठीक है, ये भी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका डीएनए पॉलीमरेज के यूनिट्स, सब यूनिट्स और कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डीएनए पॉलीमरेज हार्ड का ये आर्किटेक्चर है यहाँ पे, ठीक है। तो टू कोर डोमेन है, सब यूनिट है अल्फा, एप्सिलॉन एंड थीटा, देखिए दो कोर यूनिट है, और लिंक्ड बाय फाइव सब यूनिट ऑफ क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स, दैट इज गामा कॉम्प्लेक्स। दिस इज योर कॉल है गामा कॉम्प्लेक्स, एंड विथ कंपोजिशन दिस द गामा एंड टाउ सब यूनिट आर इनकोडेड बाय द सेम जीन, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कैसे एक ही जीन दो अलग अलग प्रोटीन को कोड कर रहा है, ये है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का खेल, ठीक है। जब हम आपको बताएंगे और फर्दर आरएनए की कैसे स्प्लाइसिंग होती है, कैसे वो एक ही जीन कई तरह के प्रोटीन बना सकता है, दिस रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू अंडरस्टैंड। सो वी विल गो देयर एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे बस ये समझो कि एक जीन से कई प्रोटीन कोड हो सकते हैं, बस इतना आपको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। द गामा सब यूनिट इज ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ द टाउ सब यूनिट। द टाउ डस कंटेन ए डोमेन आइडेंटिकल टू गामा अलोंग विद एन एडिशनल सेगमेंट दैट इंटरैक्ट विद द कोर पॉलीमरेज, ठीक है। और ये जो पॉलीमरेज है यहाँ पे शोन नहीं किया गया, यही जो है आपको 11th एंड 12th यूनिट है, ठीक है। डीएनए भी क्या है, हेलिकेज है जो टाउ सब यूनिट से इंटरैक्ट। तो ये आपके लिए लिटरेचर है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ें, बिकॉज आई हैव टेकन स्नैपशॉट फ्रॉम लेलिंजर, सो यू कैन गो थ्रू दैट बुक एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देयर ऑल्सो, ओके। सो दिस इज टेकन फ्रॉम गैरिशम, अगेन द सेम थिंग, बट यू हैव टू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव गिवन यू द अगेन द सेकेंड डायग्राम फॉर द सेम टॉपिक, ओके। सो वी विल जस्ट स्किप दैट, ओके। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइज कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके पास एक थंब डोमेन है, एक फिंगर डोमेन है और एक पाम डोमेन। थंब डोमेन जो होता है बेसिकली ये फिंगर डोमेन और पाम डोमेन को कंट्रोल कर रहा होता है, और कोई इंडिविजुअल कोई काम थंब जो डोमेन है वो नहीं करता, और जो पूरी जो डीएनए एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो कंट्रोल होती है फिंगर डोमेन और पाम डोमेन से, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे बस टोपोवाइज समरेज के बारे में जान लीजिए। प्राइमेज आप जान ही रहे हैं, है ना, डीएनए हेलिकेज जान ही रहे हैं, ये है आपका सैक्रोमाइसिस सर्विसी में, ठीक है। बेसिकली ये सारे सेम ही लगभग होते हैं यूकैरियोट्स में। तो डीएनए जी इकोलाई में, डीएनए बी हेलिकेज का काम करेगा, ये सब हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हम अगेन एंड अगेन आई कैन नॉट डिस्क्राइब द होल थिंग्स, सो जस्ट गो थ्रू दिस थिंग्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फिर मैंने आपको दिखाया कि कैसे फ्लैक्सीबल लिंकर है, डीएनए पॉलीमरेज मूव करता रहेगा डीएनए के लॉन्ग, ये इधर उधर नहीं जा सकता, बस डीएनए पे ही मूव करेगा, ठीक है। डीएनए कभी मूव नहीं करेगा, जीन कभी मूव नहीं कर सकता। सोचो अगर एक क्वेश्चन उठाते हैं, सब वो जीन मूव करने लगा तो भाई पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा जीनोम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज रन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज रन करेगा, ठीक है। कभी भी जीन और कभी जो पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं रन करेगा, जो एंजाइम है वो उस पर मूव करेगा और काम करेगा, ठीक है। समझ में आई बात, चलिए। नाउ दिस इज जस्ट फॉर वी विल कंपेयर द यूकैरियोटिक जीनोम एंड द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दिस ऑल पॉलीमरेजेस, दिस डीएनए पॉलीमरेजेस एंड देयर डिफरेंसेस, ओके। सो यहाँ से भी क्वेश्चन सीएसआर में आता है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे प्रोकैरियोट का, अब यूकैरियोट का थोड़ा देख लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ये करता है क्या, प्राइमर की सिंथेसिस करता है,
ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। और प्रोकैरियोट में कौन करता है? प्राइमर डीएनए जी। यहीं पे हम फिर से देखते रहेंगे। पॉल टू क्या करता है, सॉरी पॉल बीटा क्या करता है? बेस एक्सिजन रिपेयर, और वहां पे डीएनए पॉलीमरेज टू करता है प्रोकैरियोट, ठीक है, डीएनए रिपेयर, ठीक है। पॉल गामा क्या करता है? गामा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन करता है, और इसको हम गामा को पढ़ाएंगे, इसे अलग मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, इसे डी लूप फॉर्मेशन रेप्लिकेशन कहते हैं, तो डी लूप रेप्लिकेशन हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉल डेल्टा एंड पॉल इप्सिलॉन। पॉल डेल्टा क्या करता है? लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है, ठीक है, एंड पॉल इप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है और न्यूक्लियोटाइड बेस को पे करता है, ठीक है। पॉल डेल्टा लैगिंग, पॉल इप्सिलॉन लीडिंग, लेकिन पॉल डेल्टा लीडिंग लैगिंग दोनों कर सकता है अकॉर्डिंग टू लैगिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और एग्जाम में पॉल इप्सिलॉन के बारे में अगर कहा जाए तो इसके बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। और ये अदर पॉलीमरेज़ हैं जिनके बारे में आपको जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो बेसिकली जितना इम्पोर्टेंट था मैंने डिस्कस किया, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसे हम गो थ्रू करेंगे, ठीक है। HDA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ठीक है, अनदर ट्रिपल ए ATPase DNA, इट्स नेम्स डिराइव फ्रॉम होमोलोगस टू DNA, होमोलोगस टू DNA, होमोलोगस टू DNA, HDA मीन्स होमोलोगस टू DNA, ये आप दिमाग में रखिएगा। और ये CSIR के क्वेश्चन में आया है, HDA का शॉर्ट फॉर्म वहाँ पे यूज हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कट करके लगाया है, ताकि आपको एक छोटी सी छोटी बात भी आपसे छूटे नहीं, ठीक है। मेरा मेन मकसद क्या है, आप सारी चीज़ों को अच्छे से जाने। मैं यहाँ पे कट करके क्यों लगाता हूँ, मैं क्यों लेक्चर को लंबा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, ताकि आपको हर छोटी छोटी चीज़ आराम से पता चल सके, ठीक है। सो ATP हाइड्रोलिसिस लीड टू डिसअसेंबली ऑफ DNA एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट DNA, और ए जो ATP प्रोसेस है वो क्या करेगा कि आगे, तो DNA बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस लिए? इनिशिएशन के वास्ते, ठीक है, फॉर इनिशिएशन DNA इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले क्या है, DNA तभी किसी चीज को आपको पहचान सकता है जब वो मिथाइलेटेड हो। मिथाइलेटेड क्या होगा, ये एडेनिन रेसिड्यू मिथाइलेटेड, ठीक है। तो ये जो DNA एडेनिन मिथाइलेज है, ठीक है, वो क्या करेगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जो पार्टिकुलर सीक्वेंस है GATC सीक्वेंस, वो एडेनिन को क्या करेगा, मिथाइलेट कर देगा, ठीक है। इट हैज 11 ऑफ देम इन इतना बेसिस। सो जो टोटल जो ओराई जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इकोलाई में, जो ओराई सी हम बोलते हैं, वो कितने बेस पेयर का है आपको याद रखना है, 245, जिसमें से जो GATC सीक्वेंस है वो कितना है, 11 11 ही नंबर है, ठीक है। एंड इकोलाई क्रोमोजोम एज ए होल 1 in 256 बेस पेयर। अगर पूरा क्रोमोजोम में देखें तो 256 बेस पेयर पे एक आपको ये दिखाई देगा, ठीक है, GATC का सीक्वेंस, ठीक है। तो अब क्या आपको समझना है कि जैसे ही DNA सिंथेसिस होता है, तो जैसे ही हेमी मिथाइलेटेड, क्योंकि एक DNA क्या है, पैरेंटल स्ट्रैंड क्या है, मिथाइलेटेड है, लेकिन जो न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA है उस पर तो मिथाइल है नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA के कारण हम क्या कहेंगे, उसे हेमी मिथाइलेटेड कहेंगे, ठीक है। वहां पे क्या होगा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसे मिथाइलेटेड कर दे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये जानना है, DNA क्या किया, जाकर के बाइंड किया और तो ORIC में, ठीक है, 9-mer सीक्वेंस में, हम आई विल डिस्कस इस लेटर, बट यहाँ पे इतना ही समझो कि DNA बाइंड किया, और DNA बाइंड होने के कारण कहीं पे जाके मेल्टिंग होती है, 80-rich सीक्वेंस पे मेल्टिंग होती है, उस मेल्टिंग के कारण क्या होता है, DNA B दैट इज कॉल्ड हेलिकेज, वो क्या करता है, DNA स्ट्रैंड में घुस जाता है, और फिर वो DNA C के मदद से लोड होता है स्ट्रैंड पे, और DNA C वहां से चला जाता है, एंड DNA B स्टार्ट कर देता है क्या,
ओपन करना शुरू कर देता है और पूरी की पूरी स्ट्रैंड को खोलना शुरू करता है अप टू डीएनए गाइरेज। ठीक है, तो एक चीज और याद रखना, डीएनए सी क्या करेगा, लीव कर देगा जैसे ही वो डीएनए से डीएनए बी जैसे ही डीएनए पे बाइंड कर जाएगा वो वहां से डीएनए सी रिमूव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, डीएनए ए ऑन दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए कम्स एंड इट विल स्टार्ट मेल्टिंग ऑन 80 सीक्वेंस एंड दिस अनवाइंडिंग ऑफ 13 मर सीक्वेंस इज लीड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ डीएनए बी थ्रू डीएनए सी। सो डीएनए बी एंड डीएनए सी आर ए कॉम्प्लेक्स, सो डीएनए सी इज अ हेल्पर और डीएनए बी हेलिकेज लोडर। हेलिकेज लोडर क्या है, डीएनए सी है, इट विल हेल्प टू लोड डीएनए बी ऑन टू द डीएनए। एज सून एज द डीएनए बी इज लोडेड ऑन टू द डीएनए देन डीएनए सी स्टार्ट डिग्रेडेड एंड आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए सी डीएनए बी इज एबल टू अनवाइंड द डीएनए। सो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, समझ में आया, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए तो यहाँ पर मैंने एक जिस्ट फिर से आपको दिया है कि क्या क्या है। सो डीएनए ए क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है ओराई सीक्वेंस को, ठीक है, एंड डुप्लेक्स को ओरिजिन साइट को पहचान रहा है। डीएनए बी इज ए हेलिकेज और वो डीएनए को अनवाइंड कर रहा है। डीएनए सी क्या है, वो डीएनए बी को हेल्प करता है डीएनए पे लोड होने के लिए। ठीक है, एच यू क्या है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज हिस्टोन लाइक प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में तो हिस्टोन होता है लेकिन प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं होता, हिस्टोन लाइक प्रोटीन होता है जो कि डीएनए को पैक करता है। FIS एंड IHF दिस ऑल आई विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स। सो आपको बस यही याद रखना है कि सारे डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, डीएनए जी क्या करेगा, प्राइमर बुलाएगा, फिर वही बात फिर से यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव टू जस्ट स्विच। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम बस अलग अलग बुक से कट करके यहाँ पे चीज़ें इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको हर बेसिक से बेसिक थिंग अच्छे से समझ में आए, फिर आप जब भी कोई बुक देखें तो आपको ये नहीं लगे कि अरे मुझे ये बुक समझ में नहीं आ रहा। सेवरल टाइम माई स्टूडेंट टोल्ड मी दैट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग लेलिंजर, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग ग्रीशम, आई अंडरस्टैंड दिस बुक, आई अंडरस्टैंड दैट बुक। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आपको सारे बुक समझ में आए, मेरा फंडा क्या है, आई विल गिव, आई विल बूस्ट यू टू अंडरस्टैंड होल बुक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे स्टार मार्क किस लिए दिया हुआ है ये समझने की बहुत ज़रूरत है। सो वो सब यूनिट जो आइडेंटिकल हैं उनके लिए यहाँ पे स्टार दिए गए। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब हम चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर को रोकें ताकि आप भी उबे नहीं। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट टू, आई विल बैक इन सम इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। सो स्टे ट्यून, आई विल जस्ट कम बैक।